हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, मैं अंकुर स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल द ए बुक में, जहां हम बातें करते हैं किताबों पर, किताबें जो गढ़ी गई हैं हमारे पढ़ने के लिए। अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को ख़रीदना नहीं चाहते पर फिर भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि वो इतनी बार हमारे सामने से गुज़रती है कि ना चाहकर भी वो हमारे घर आ ही जाती है ख़रीद कर। ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ फिर से एक बार। एक किताब जिसको ख़रीदने का बिल्कुल मन नहीं था, पर जब भी कोई किताब तलाशता तो वो सामने आ ही जाती है। आपने कभी गौर किया होगा कि अक्सर हम वही चीज़ें खरीदते हैं जो कई बार हमारे सामने से गुज़रती रहती हैं या जिनका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो हमारी साइकोलॉजी है एक तरह की कि चीज़ें जब रिपीट होती रहती हैं तो हमारा दिमाग अपने आप बोलता है कि यह सबसे बेहतर है, ख़रीद ली जाए, एक बार एटलीस्ट एक बार तो देख ही लिया जाए कि ये कैसा है। ऐसा ही कुछ हुआ। तो किताब क्यों नहीं ख़रीदना चाह रहा था कि किताब का नाम भी बताता हूँ। अपन को क्या है कि वही खातों से बहुत डर लगता है भाई। एक बार कोशिश की थी टैली सीखने की, शुरुआती ठीक रहा, पर जैसे ही थोड़ा अंदर घुसा तो सब गुड़ गोबर हो गया। कहाँ किसका कैसे क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। किताब का फ्रंट पेज देखकर ऐसा ही लगा कि शायद कोई फाइनेंशियल बुक रही होगी, पर जब किताब हाथ आई और जब उसके शुरुआती कुछ पन्ने पढ़े, कुछ पेजेस पढ़े मैंने, तो लगा नहीं, ये तो मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत है। चलिए किताब के बारे में बताता हूँ। तो ये किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। किताब शुरू हुई है और अंत बाकी है। शुरुआती पृष्ठ देखकर लगता है कि बेहतर है, मज़ा आएगा पढ़ने में और कुछ नया मिलेगा। अंत होते ही आपके सामने फिर आऊँगा किताब की पूरी समरी लेकर कि आखिर उससे क्या मिला मुझे और क्या जाना मैंने और ऐसा क्या है जो मैं आपको बता सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे, तो जाहिर करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से ही हमको पता चलता है कि हम जो यहाँ मेहनत करते हैं या जो कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ फल हमको मिल रहा है और आपको वो चीज़ें पसंद आ रही हैं। फिर मिलते हैं, बाय।